उत्तराखंड के ज्वालापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले फरार अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। जेल भेजने के बाद उस पर आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। उसके बाद आप भी पैसा कमाइए, वो भी हर बुकिंग पर। तो डाउनलोड कीजिए अभी टोमिंडर ऐप। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सर्विसेज की आवश्यकता हो तो यूज एज कस्टमर में लॉग इन कीजिए और घर बैठे पाए हर प्रकार की सर्विसेज। तो सही है ना, टोमिंडर रोजगार भी और सेवा भी। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए टोमिंडर ऐप। उत्तराखंड की ज्वालापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। रंगदारी मांगने वाले में फरार अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उस पर मुकदमा अपराध संख्या 376/22 धारा 386.120 IPC में फरार चल रहे अभियुक्त मोहित कुमार पुत्र राजवीर निवासी श्यामपुर कांगड़ी हरिद्वार, जिसके द्वारा पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त दीपक चौहान को गलत ID पर मोबाइल सिम बेच गया था तथा मिली भगत से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने में षड्यंत्र किया गया था, जो दिनांक 3/7/22 से लगातार फरार चल रहा था। फरार अभियुक्त तत्काल गिरफ्तारी करने हेतु श्रीमान पुलिस उप निरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक ज्वालापुर को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर महोदय तथा सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर महोदय द्वारा श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किए गए निर्देशों का पालन करते हुए ज्वालापुर पुलिस ने फरार अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है।